नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष की 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर सिविल सेवा अधिकारियों को लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज, कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% पर पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, दो गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक कर्मी शहीद हुए तो इन दलों ने दुख प्रकट भी नहीं किया था। पुलवामा हमले, उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी फद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पड़ोसी देश की संसद में सच स्वीकार कर लिया गया है तो भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के समक्ष बेनकाब हो गया है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी रूकावटें हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने महामारी से लड़ाई में योगदान के लिए कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा भी की। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर
गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गुजरात के पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वायुसेना ने शानदार फ्लाईपास्ट किया। प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों की राइफल ड्रिल भी देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़ें और जवाबदेह बने। आरंभ 2020 के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तरदायी है और युवा अधिकारियों को स्वयं को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर लोक सेवकों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और लोकल फॉर वोकल को अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लोक सेवा के जनक थे। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बनाए रखने वाले हो। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रोबेशनर लोक सेवक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़े थे। इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। ये सेवा केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। श्री मोदी ने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भरी। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के भाषणों के चुने हुए अंश प्रसारित कर रहा है। सांप्रदायिक एकता की बात करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि लौह पुरुष ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री जावड़ेकर ने लोगों से इस वर्ष स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा करने की अपील की है। पुदुचेरी में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्र की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने फेसबुक पोस्ट पर श्री नायडू ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। उपराष्ट्रपति ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और लोगों खासकर युवा पीढ़ी से आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद करने को कहा। श्री नायडू ने भारत की एकता में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की। अखिल भारतीय लोक सेवाओं के निर्माण की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सरदार पटेल का एक अन्य उत्कृष्ट योगदान है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने इन सेवाओं को भारत के मजबूत ढांचे के रूप में देखा था जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर वृत्त चित्र लौह पुरुष सरदार पटेल का प्रसारण किया जाएगा।
20 मिनट की ये फिल्म filmdivision.org/documentaryofthe week और youtube.com/user/filmdivision पर उपलब्ध रहेगी। वृत्तचित्र में सरदार पटेल के जीवन और कृतित्व की संक्षिप्त यात्रा प्रस्तुत की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के शिल्पी का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप newsonair से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनकी स्मृति में आकाशवाणी प्रत्येक वर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार मिलने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AirNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा। धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। तुम 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 दाना ना 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 ना, तुम तुम दाना ना 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 ना, गिरते गिरते नागरिक सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है। देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। माँ नर्मदा के तट से, माँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेश हम सबको हर दिल तक पहुँचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के इस सुर में गाएंगे। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लौह पुरुष है हमारा सरदार। ये आकाशवाणी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। एनडीए सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यभर में चुनाव सभाओं और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। अभिनेता से राजनेता बने
भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ हर दिन चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इन कलाकारों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। भोजपुरी में बात करते हुए ये स्टार एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। ये कलाकार भोजपुरी में गाना गाकर लोगों के बीच पार्टी का संदेश रखते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल एलजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए कई रोड शो कर चुकी हैं। भोजपुरी अदाकारा पाखी हेगड़े, अंजना सिंह और शुभि शर्मा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी रैली में गीत गाकर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। वाम दलों के लिए इप्ता और आयशा के कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में कोरोना महामारी के बीच दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन बंगलुरु और तुमकुरू में आवश्यक प्रबंध कर रहा है। सीरा में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि आरा नगर में 16 प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल एस ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वे दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रचार के दौरान उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। प्रचार अभियान आज खत्म हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एडवोकेट ताशी गैल्स्टन को लेह में छठी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी काउंसलर निर्विरोध चुन लिया गया है। इससे पहले नवनिर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पार्षदों ने अपने पद की शपथ ली। लेह स्थित इस परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह और अशोक कोल, सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने लौह पुरूष की 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर सिविल सेवा अधिकारियों को लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% पर पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और सनराइजर्स हैदराबाद का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड 19 से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 59,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 7.16% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय कुल 5,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 48,268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 81,37,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों में 551 मरीजों की मृत्यु के साथ ही इस संक्रमण से अब तक 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। केरल में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां 10 जिलों में 15 और दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस अवधि में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की मनाही होगी। सार्वजनिक परिवहन, सरकारी विभागों, वाणिज्यिक संस्थाओं, उद्योगों और अस्पतालों में सुरक्षित दूरी बनाते हुए तथा कोविड नियमों के पालन के साथ कामकाज किया जाता रहेगा। राज्य में इस समय इस संक्रमण के 90,565 सक्रिय मामले हैं।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 1,445 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,38,632 हो गई है। राज्य में कल 41,000 से अधिक जांचें की गईं। उपचार के बाद 1,486 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.72% हो गई है। राज्य में अब तक संक्रमण के ठीक होने वालों की संख्या 2,18,887 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 6 और लोगों की मृत्यु होने से मरने वालों की कुल संख्या 1,336 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 18,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 15,000 से अधिक लोग अपने घरों में रहकर उपचार करा रहे हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 97 नए मामले सामने आए हैं और 141 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 94.17% हो गई है। त्रिपुरा में 30,663 संक्रमित लोगों में से अब तक 28,855 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 1,439 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से वहां अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने ऐसे 7 निजी कोविड अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो नगर निगम की ओर से भेजे गए कोविड मरीजों के लिए 50% बिस्तरों को आरक्षित करने के सरकार के निर्देश का पालन करने में असफल रहे हैं। कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के बाद इन अस्पतालों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि यदि इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो नगर निगम पहले इन अस्पतालों के बाह्य चिकित्सा विभाग को बंद करने पर विवश होगा तथा मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजने के बाद ये अस्पताल बंद किए जा सकते हैं। मुंबई में कोविड 19 संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, परंतु लोगों के बीच संक्रमण के दोगुने होने की दर भी बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब संक्रमण के मामले 157 दिन में दोगुने हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर मामलों की पहचान कर रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों ने दावा किया है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम ने लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद की है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी द्वारा घर घर जाके जांच से बीमारी का जल्द पता लगा, जिससे कोरोना संक्रमण के रोकथाम में काफी मदद मिली। एफ साउथ वार्ड में सबसे अधिक व्यक्तिगत दोहरीकरण दर 362 दिन की है, जबकि 3 वार्ड है जिसमें 200 से अधिक दिनों के दोहरीकरण दर है और 176 दिनों से अधिक और 199 दिनों के नीचे के दोहरीकरण दर वाले वार्ड 4 है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम उपनगरीय जैसे बोरीवली, कांदीवली, दहीसर और मलाड में भी मामलों में गिरावट देखी गई है। अब तक शहर में 2,52,000 से अधिक मामले और 10,000 से अधिक मौतें हुई है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अमेरिका में कल कोविड के 1,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना महामारी के 1,00,233 मामले सामने आने का यह विश्व रिकॉर्ड है। इससे एक दिन पहले वहां कोविड के 91,000 मामले मिले थे। अब वहां कोविड के कुल मामलों की संख्या 90,00,000 को पार कर गई है, जो अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 3% है। अमेरिका के 16 राज्यों में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए, जबकि 13 राज्यों में कोविड के सबसे अधिक रोगी अस्पताल में भर्ती हुए। पिछले 2 दिन में संक्रमण के रोज आने वाले मामलों से संकेत मिलता है कि वहां हर सेकंड एक नया मामला आता है। कोविड से अमेरिका में लगभग 2,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इसने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण को भी प्रभावित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु रामाराव बापू महाराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि रामाराव बापू महाराज जी समाज की सेवा और प्रखर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन और मानवता की सेवा के लिए अथक प्रयास किए। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले रामाराव बापू महाराज से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ था।
उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदना रामाराव बापू महाराज के अनुयायियों के साथ है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई और चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रही। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं आरती मल्होत्रा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज सुबह भी बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 10 बजे इसे 369 मापा गया। वायु गुणवत्ता को 201 से 300 के बीच होने पर खराब, 301 से 400 के बीच होने पर बहुत खराब और 401 से 500 के बीच अत्यंत खराब माना जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम अनुमान अनुसंधान सफर ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रातःकाल और सूर्यास्त के बाद के समय बाहर की गतिविधियों से परहेज करें। सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अपनी दवाएं साथ रखने की सलाह भी दी गई है। लोगों से लकड़ी, मोमबत्तियां और सुगंधित पदार्थों को जलाने से भी परहेज करने को कहा गया है। भारतीय प्रकाशकों के संघ FIP ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष दिल्ली पुस्तक मेला को वर्चुअल रूप से आयोजित किया है। प्रगति ई की सहयोग से आयोजित 2 दिन का ये ऑनलाइन पुस्तक मेला कल रात खत्म हो जाएगा। आयोजकों ने बताया कि पुस्तक मेले को ऑनलाइन आयोजित करना चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि इससे भविष्य में पुस्तकों की बिक्री के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी दिल्ली पुस्तक मेले के इस 26वें और अनूठे संस्करण के लिए अपने 3 वर्चुअल स्टॉल लगाए थे। प्रकाशन विभाग ने गांधीवादी साहित्य, कला, संस्कृति, बाल साहित्य और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के भाषणों सहित 12 विस्तृत श्रेणियों में लगभग 120 प्रकाशन प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी सामानों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दाल और सब्जी आम लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने आम लोगों को उचित कीमत पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो प्याज की खरीद के लिए तय की गई सीमा संबंधी आदेश को वापस ले। श्री ठाकरे ने कहा कि इस फैसले से बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और प्याज के दाम बढ़ गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद APNC में प्याज के व्यापारियों ने किसानों से प्याज खरीदना बंद कर दिया है, इससे प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 1500 मीट्रिक टन प्याज खरीदने की अनुमति होनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने अभी ये सीमा 25 मीट्रिक टन तय कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष की 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर सिविल सेवा अधिकारियों को लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज। कर्नाटक में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार कल खत्म होगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% पर पहुंची। और IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।